सो मेरे सामने खड़ी है द ब्रांड न्यू अपडेटेड 2023 हीरो एक्सपल्स 204V एंड इसकी जो ऑन रोड कॉस्ट पड़ती है वो है 1,76,000 रुपीज। मुंबई स्पेशल थैंक्स टू हीरो ऑटोमाइल्स एंड अनुज सर जिन्होंने जो मुझे आज ये बाइक प्रोवाइड की आप तक पहुंचाने के लिए। शोरूम की सारी जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो सबसे पहले बात करेंगे कि यहाँ पे आपको अपडेट्स में क्या क्या मिल जाते हैं। बाय द वे यहाँ पे आपको 6 अपडेट्स मिलते हैं। सबसे पहला अपडेट वो ये है कि यहाँ पे आपको कंप्लीट न्यू LED सेटअप देखने को मिलता है। मैं आपको तुरंत टर्न ऑन करके बता दूँ। सो ये जो है कुछ इस तरीके से दिखती है। आई थिंक ये काफ़ी ज़्यादा मज़ेदार दिखती है आपको ना। साइड में वो छोटे छोटे LED लाइट्स भी दिखाई देते हैं। वाह यार, दिस लुक्स रियली कड़क है ना। और यहाँ पे आपको ये न्यू विंड स्क्रीन मिल जाता है जो मैं आपको मोटर व्लॉग करने के टाइम पे बताऊँगा। इसको करते थे टर्न ऑफ। और तीसरा जो अपडेट है वो ये है कि यहाँ पे अभी आपको ये न्यू नकल गार्ड्स देखने को मिलते हैं जो कंपनी फिटेड ही आएंगे। चौथा अपडेट ये है कि यहाँ पे अभी आपको ये न्यू स्विचेस नज़र आएंगी जो काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखती है। और यहाँ पे भी इंजन किल स्विच और पावर का तीनों का एक ही बटन कर दिया है। और पांचवा अपडेट ये है कि यहाँ पे अभी आपको राइडिंग मोड्स मिलते हैं। सो अगर आप M दबाते हो 2-3 बार तो आप आ जाओगे अपने राइडिंग मोड्स पे। सो यहाँ पे आपको 3 राइडिंग मोड मिलते हैं, रोड, ऑफ रोड एंड रैली। भाई ये 3 राइडिंग मोड क्या करते हैं अभी तक मुझे पता नहीं चला, बिकॉज ये बाइक जो है काफ़ी जल्दी मेरे पास आ चुकी है। तो जैसे मुझे पता चलेगा मैं कमेंट को जो है पिन कर दूंगा। और कर देते हैं बंद। एंड छठा और लास्ट अपडेट ये है कि अभी जो इसके फूड पैक्स को भी रिवर्क किए हुए, कितने रिवर्क किए, कितने यूजफुल है नहीं है वो मैं आपको मोटर व्लॉग करने के टाइम पे बताऊंगा। बाकी ओवरऑल बाइक जो है वो कम्प्लीटली सेम है, इंजन भी सेम ही है। यहाँ पे आपको वही सेम 200cc का / ऑयल कूल्ड 200cc का इंजन मिलता है। और यहाँ पे अभी आपको ये किक स्टार्ट भी मिल जाएगा। फ्रंट में आपको ये बीक मिल जाती है जो काफ़ी ज़्यादा कड़क दिखती है, खूबसूरत दिखती है। और यहाँ पे अभी आपको मिल जाता है सिंगल चैनल ABS। फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक्स मिल जाती है, स्पोक व्हील्स मिल जाते हैं। और अगर मैं टायर प्रोफाइल की बात करूँ, अभी आपको 90x90 21 सेक्शन के ट्यूब टायर्स मिलते हैं, स्पोक व्हील्स मिलते हैं। और ये बैश प्लेट आप एक साथ देख सकते हो, काफ़ी खतरनाक सा मेटल का बैश प्लेट मिल जाता है। और इसका एग्जॉस्ट, भाई इसका एग्जॉस्ट के लुक पे तो जो लोग काफ़ी ज़्यादा फिदा है, काफ़ी मज़ेदार सा एग्जॉस्ट यहाँ पे आपको मिलता है। मैं आपको सुना देता हूँ इसका एग्जॉस्ट नोट। बाय द वे ये जो है वो E20 कंप्लायंट है। ये रहा E20 की ब्रांडिंग, आपको दिक्कत नहीं होगी। साउंड करने में ना काफी ज्यादा ग्रंट यहाँ पे आपको मिल जाता है। और पीछे भी आपको जो है डिस्क ब्रेक ही मिलती है। और पीछे का जो टायर साइज है वो है 120/80 और 18 सेक्शन के ट्यूब टायर्स। दिस इज हाउ इट लुक्स, स्पोक व्हील्स मिल जाता है। और पीछे आपको LED में ब्रेक लाइट्स मिलती है। टर्न इंडिकेटर्स जो रहेंगे आपको मिलेंगे बल्ब में। सीट्स जो है वही सेम सीट यहाँ पे आपको मिल जाती है जो पहले आती थी। और इस मोटरसाइकिल से ना आपको ऑलमोस्ट 40 की माइलेज भी मिल जाएगी। बाकी अगर मैं डिस्प्ले की बात करूँ, सो डिस्प्ले में कुछ भी चेंजेस नहीं है, वही सेम ब्लूटूथ वाला डिस्प्ले यहाँ पे अभी आपको मिलता है, जिसमें आपको RPM मिल जाएगा, गियर पोजीशन इंडिकेटर मिल जाएगा, स्पीड, टाइम, ओडो, ये ट्रिप की आपकी डिटेल्स, ट्रिप टू पेयरिंग, ब्लूटूथ, इको, एवरेज स्पीड, आपके ABS राइडिंग मोड्स और बाकी सारी की सारी वायरिंग जो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे आपको मिल जाता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो ये कवर के साथ आता है। एंड पीछे की साइड आपको मिल जाते हैं मोनोशॉक्स। दिस इज द ब्रांड न्यू हीरो एक्सपल्स प्रो वेरिएंट जो रैली एडिशन आते हैं। यहाँ पे भी आपको ये प्रो की ब्रांडिंग मिल जाती है। बाकी ओवरऑल बाइक इज द सेम, आप देख सकते हो ये जो है नॉर्मल एक्सपल्स है, ये जो है प्रो वेरिएंट है, कितना फ़र्क है दोनों में। हाइट वाइज जो ये काफ़ी ज़्यादा लंबी है। बाकी जितने भी अपडेट्स आपको ये मोटरसाइकिल में मिलती है आपको वही सेम अपडेट्स आपको यहाँ पर भी मिलेगी। एंड इसकी जो ऑन रोड कॉस्ट आपको पड़ेगी वो है 1,84,000 रुपीज़ मुंबई। और यहाँ पर आपको एक छोटा सा अपडेट ये मिलता है कि इसके जो सस्पेंशन है वो एडजस्टेबल है। सो आप जो है यहाँ से और यहाँ से इसके सस्पेंशन को एडजस्ट कर सकते हो। और बाकी आप देख सकते हो वही सेम चेंजेस आपको यहाँ पर भी मिल जाते हैं। और ये स्विच वगैरह जो है आपको यहाँ पे ABS के मोड्स भी मिल जाते हैं। और इसका जो साइड स्टैंड है वो नॉर्मल एक्सपल्स से थोड़ा लंबा सा यहाँ पे आपको मिलता है। बाकी ओवरऑल बाइक इज़ द सेम, आप ये लो या फिर आप वो लो, दोनों बाइक में आपको कोई भी डिफरेंस नहीं मिलेगी। था मेरा एक कंप्लीट वॉक अराउंड ऑन द 2023 हीरो एक्सपल्स 204 विद राइडिंग मोड्स। अभी मैं काम करता हूँ, मैं घुसता हूँ अपने मोटर व्लॉग के सेटअप में एंड लेट्स सी ये बाइक चलने में है कैसी। लेट्स डू दिस। सो मैं आ चुका हूँ अपने मोटर व्लॉग के सेटअप में और ये रही बाइक की चाबी। # खुशियो की चाबी इन द चैट। भाई बाय द वे बाइक तो जो है देखने में काफ़ी ज़्यादा कड़क है। ओह माय गॉड, चलो चलाते हैं। काफ़ी टाइम के बाद एक्सपल्स चलाने वाला हूँ।
ओके भाई, ये फ्रेंकली बताओ, ये सब अपडेट के बाद जैसे आप बाइक पे बैठोगे आपको डेफिनेटली वो प्रीमियम वाली फील यहाँ पे मिल जाएगी। ये तो आप मेरे से लिख के ले लो। और ये हैंडल बार्स, ये सब बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखता है, नकल गार्ड्स। और ये विंड वाइज़र ना, मेरी जो हाइट है वो है 5'10" और बराबर मेरे ढाड़ी के यहाँ पे आती है, समझ गया, मतलब मेरी चिन पे। चलाते इसको देख लेते, हल्का सा यहाँ पे जो है कच्चा रास्ता है। ओ हाँ, अरे फुटपैक्स ज़रूर से जो है बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होते हैं यार, ये तो मैंने अभी नोटिस किया बैठने के बाद, मुझे फील हो रहा है कि ये जो है डेफिनेटली कंफर्टेबल फील होते हैं। वाह यार, मज़ा आ गया। तो आई एम श्योर इस पर अगर मैं खड़ा भी रह जाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। यस, मैं गलत नहीं था। ये देखिए सैडलिंग बहुत आसानी से होती है। यस, वाह यार, ये मुझे पसंद आया ये वाला अपडेट, फुटपैक्स वाला स्पेशली। यहाँ पे बैठ जाता हूँ, मुझे रिस्क नहीं लेना, मुझे रिक्स ही नहीं लेना, रिक्स। ओह भाई, ये छोटे मोटे अपडेट से बाइक काफ़ी ज़्यादा मजबूत बन गई है। फर्स्ट इंप्रेशन तो काफ़ी बढ़िया है। और क्या प्रीमियम स्विचेस यार, मज़ा आ गई। बाकी है बस, तो भाई सबसे पहले बात करेंगे मोटरसाइकिल के कंफर्ट की। भाई दिस इज़ रियली कंफर्टेबल, बट हाँ आपको एक बात ध्यान रखनी पड़ेगी, इस मोटरसाइकिल के लिए ना थोड़ी हाइट लगती है। मेरी जो हाइट है 5'10", मेरे दोनों पांव नीचे टिकते हैं। अगर आपकी हाइट 5'8" 5'9" है तब तक चल जाएगा, उसके नीचे जो है ये बाइक आपको दिक्कत देगी। और बहुत काफ़ी ज़्यादा शाणे लोग ना मेरे कॉमेंट बॉक्स में मिलते हैं, भाई मेरी हाइट 5'2" है, मेरी हाइट 5 है, फिर भी मैं चला सकता हूँ, यू नो इट्स ऑल अबाउट द राइडर नॉट द बाइक, ऐसा सब जो है मुझे कमेंट करके लिखते हैं। भाई देखो, ये मेरा काम है आप लोगों को बताना, आप लोगों को सही तरीका बताना। और वो बोलते हैं ना, जिसका काम उसी को साजे, ढोली तारो ढोल बाजे, तो वैसा वाला सीन है। अगर मैं आपको कुछ बता रहा हूँ तो मैं इसमें कुछ है तो ही मैं आपको बता रहा हूँ, है ना, ठीक है। इट इज़ कम्फर्टेबल, इसके जो हैंडल बार्स है वो बहुत ज़्यादा अपराइट है, बट यहाँ से फ्लैट हो जाते हैं और आपके हाथ ना ऐसे खुले रहेंगे, पूरा ऐसा वाइड ऐसा खुला रहेगा। और ये नकल गार्ड्स की वजह से ना आपको थोड़ी सी वो गैंगस्टर वाली फील यहाँ पर आती है, जो बहुत मजबूत दिखती है, मतलब आपको ऐसा लगता है कि भाई मेरे हाथ जो है वो सलामत है, ठीक है। हॉर्न भी लाउड है भाई, ये बाइक भागती है, मज़ा आ गई। ओके, और फुटपैक जो है वो मुझे ऐसा लगता है, और फुटपैक जो है वो फ्रंट सेटिंग में है। एंड टैंकी जो है पतली सी टैंक है, अच्छे से जो है आपके थाइस टक इन हो जाते हैं। सीट्स है वही सेम सीट्स है, तो आपको दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। ओवरऑल यस, इट इज़ अ कंफर्टेबल सिटिंग पोजीशन। अभी हम लोग आ चुके हैं रोड पे, ठीक है। तो भाई बात करेंगे इंजन की, भाई इंजन जो है वही सेम इंजन है, बट E20 की वजह से आपको हल्का सा रिफाइनमेंट यहाँ पे ज़्यादा मिलता है, लाउडनेस जो है बाइक में ज़्यादा मिलती है। पिकअप जो है वो ऑन पॉइंट है, अगर आप ऐसे सीनियर में चला रहे हो जहाँ पे ट्रैफिक वगैरह है तो भाई इतना पावर और पिकअप बहुत हो गया, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बहुत ज़्यादा रिफाइंड फील होती है, स्मूथनेस जो है काफ़ी कड़क सा स्मूथनेस यहाँ पे आपको मिल जाती है, और बाइक ना बहुत अच्छे से ग्लाइड वाइड भी करती है, जो मैं आपको आगे बताऊँगा। भाई ये विंड वाइजर कितना काम का है, यस पहले से तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि बहुत ज़्यादा काम का, बिकॉज विंड ना यहाँ से कट होके मेरे एल्बो के ऊपर से जा रही है, सो दिस इज़ गुड, यस काम की है ये विंड वाइजर। और भाई इंजन के बारे में क्या ही बताऊँ, वाइब्रेशंस की अगर बात करूँ सो दिस विल गिव यू वाइब्रेशंस ऑन योर फीट, पैर के यहाँ पे थोड़े बहुत वाइब्रेशंस आते हैं, बाकी ओवरऑल इतने खास वाइब्रेशंस है नहीं। भाई इंजन इज़ फ्लॉलेस यार, मज़ा आ गई। थ्रॉटल रिस्पॉन्स इज ऑन पॉइंट, ये देखिए, वाह। और अभी आ जाते हैं बाइक के हैंडलिंग पे। मैं इसको हैंडल करना ना यूजुअल बाइक से थोड़ा अलग होता है, बिकॉज दिस इज़ नॉट मेंट फॉर रोड, ऐसा बोल सकते हैं, बट ये रोड पे, मतलब हाँ ये वाली आप रोड पे चला सकते हो, बट यूजुअली इसका जो काम होता है ना वो कच्चे रास्तों पे ज़्यादा अच्छे से होता है, बट अगर आप इसको रास्ते में भी चलाते हो तो भी आपको दिक्कत नहीं होगी, बिकॉज इसको हैंडल करना इज़ वेरी इजी, बहुत ज़्यादा लाइट वेट फील होती है। और अगर आपको थोड़ा यू नो पसंद आती है कि मैं हाइटेड बाइक चलाऊँ और मेरी बाइक जो है कैसे भी रास्ते को पार करना चाहिए, तो ये हैंडलिंग जो आपको बचा देगा, बहुत अच्छे से फ्लिप वगैरह होते हैं। टायर्स जो है काफ़ी अच्छा खासा सा ग्रिप प्रोवाइड करते हैं, बट क्योंकि इसके टायर के जो है वो बड़े से हैं तो थोड़ा आपको ना थोड़ी प्रैक्टिस लगेगी, बाकी ओवरऑल इट इज़ फैंटास्टिक, मज़ा आ गया, ठीक है।
हैंडलिंग इज गुड, साइड में मिरर्स अच्छा खासा व्यू दे रहे हैं। ब्रेकिंग पे आ जाते हैं, सिंगल चैनल ABS। ओ भाई काफ़ी मज़ेदार सा यहाँ पे आपको नोज ड्राइव मिलती है। इतने बड़े सस्पेंशन यहाँ पे है कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। नॉट एट ऑल बैड। और पीछे के तो जो है सिंगल चैनल ABS है, तो मैं पीछे का अगर मैं ब्रेक्स अप्लाई करता हूँ तो दोज़ा ऑल्सो स्ट्रॉन्ग, मैं मना नहीं करूँगा भाई। ब्रेक्स आर वर्किंग वेल यार। मैं ये देखिए मज़ा आती है, बट क्योंकि मैं हाईवे पे चला रहा हूँ मैं ज़ोर से रोक नहीं पाऊँगा बाइक को। और सस्पेंशन भाई, इसका सस्पेंशन आर वेरी सॉफ्ट, ये तो मैं आपको डेफिनेटली बता सकता हूँ। मतलब आपको ना झटका आपके कमर तक पहुंचने को बहुत टाइम लग जाएगा ये मोटरसाइकिल पे। तो ये देखिए अगर यहाँ पे ऐसा कोई टंकी वंकी आ गया, और ये देखिए चला भी गया, ठीक है, डड़म डड़म डड़म। ओके सस्पेंशन आर सॉफ्ट। और इसका जो टर्निंग रेडियस है वो भी बड़ा सा टर्निंग रेडियस यहाँ पे आपको मिलता है। और एक और बात अगर मैं बताऊँ आपको इस मोटरसाइकिल के बारे में, कि अगर आप इसको यू नो डेली चलाना चाहते हो तो आप इसको डेफिनेटली डेली चला सकते हो, उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। क्लच जो है ऑन द सॉफ्टर साइड, 5 स्पीड की गियर बॉक्स है, अप डाउन करने में आपको दिक्कत नहीं होती। इट इज़ अ स्मूथ मोटरसाइकिल। सो अगर मैं नहीं मानो, अगर आपको एक ऐसी बाइक चाहिए जो आप किधर भी लेके जा सकते हो, रोज़ के रोज़ चला सकते हो, और अभी आपको यहाँ पे सारे के सारे अपडेट्स भी मिल चुके जो हम सभी लोग क्रेव करते हैं। बाय द वे यहाँ पे अभी आपको ये चार्जर भी मिलता है। सॉरी मैं आपको वॉक अराउंड में बताना भूल गया था, आपको ये चार्जिंग सॉकेट यहाँ पे मिल जाता है। 7वां अपडेट है। सो आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दिस आउट। अभी भी ये बाइक जो है आई थिंक अपग्रेड के बाद ये बाइक और भी मज़ेदार बन चुकी है। और अगर आपके पास मेरे लिए कोई सवाल है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग गाइस, थैंक यू सो मच।